ये तो है, थोड़ा सा पूरी कढ़ाई उड़े लिए है शंकर जी प्लेट में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और पूरी तरह से एकदम सरल बनाते जा रहे हैं शंकर, तो देखना है क्या कमाल करते हैं क्या सक। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में रोटी और दाल फ्राई रखी हुई है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है रोटी और दाल फ्राई खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रोटी और दाल लगी हुई है, तो दाल फ्राई आज हमारा दाल फ्राई रोटी ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में 25 रोटी प्लेट में और दाल फ्राई की कढ़ाई प्लेट में लग चुकी है। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में 25 रोटी प्लस दाल फ्राई कंप्लीट करने के बाद कितनी रोटी खाते हैं। जितनी रोटी खाएंगे 7 मिनट के अंदर उतने 500 रुपये की राशि पाएंगे। अगर 10 रोटी खा लेंगे तो 5000 रुपये पाएंगे। और दोनों चैलेंजरों के लिए ऑफर है, जो भी 25 रोटी प्लस जाएगा वो इनाम की राशि पाएगा। तो देखते हैं 7 मिनट के अंदर कितनी रोटी खाते हैं और कितने 500 रुपये की राशि लेकर के जाते हैं। और 25 रोटी के बाद जो रोटी खाएंगे वही रोटी बोनस में आएगी, वही रोटी जो है इनाम इन लोगों को दिलाएगी। और इन लोगों के लिए कोई जोर दबाव नहीं है कि आप इतनी रोटियां खाएं, जितनी रोटी खा सके उतनी रोटी खा करके कहीं से भी चैलेंज को छोड़ सकते हैं। अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इनाम की राशि मिलेगी, अगर नहीं कंप्लीट कर पाते तो कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महारथी बैठ चुके हैं, एक तरफ है मोहम्मद यासीन और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं शंकर। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं दोनों चैलेंजर, जो कि बहुत गजब ढंग से इस समय जो रोटी और दाल रखी हुई है उसके सामने बैठे हुए हैं। तो पवन जी टाइमर को चालू कर दीजिए और आराम से चाहे प्लेट को में दाल पलट सकते हैं, जैसे मर्जी खाना चाहते हैं वैसे खा सकते हैं, कोई जोर दबाव नहीं है। और चैलेंज में कोई भी ये बंदिश नहीं है कितनी रोटियां खाएं ही, जितनी खा सकें उतनी ही खाएं, तो अपने हिसाब से खाइएगा। तो इन लोगों के लिए टाइमर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग शुरू हो जाइए। और टाइमर चालू हो चुका है, टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह से रोटी और दाल पर टूट पड़े हैं। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता कौन है। ये मंजिल तो है, थोड़ा सा पूरी कढ़ाई उड़े लिए है शंकर जी प्लेट में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और पूरी तरह से एकदम सरल बनाते जा रहे हैं शंकर। तो देखना है क्या कमाल करते हैं क्या शंकर। 25 रोटी के बाद आगे रोटी लेते हैं या मोहम्मद यासीन 25 के बाद रोटी लेते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों है कि 25 रोटी के बाद ही बोनस के रूप में इन्हें पैसा मिलेगा। तो एक रोटी 500 रुपए दिलाएगी 25 रोटी के बाद। तो देखना है कि कितने 500 रुपए शंकर लेकर जाते हैं, कितने 500 रुपए मोहम्मद यासीन लेकर जाते हैं। रोटियां ला के रख दी चैलेंजरों के लिए ऑफर लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और जैसे ही इन लोगों की रोटियां, कोई दिक्कत नहीं पड़ी रहने दीजिए। तो जैसे ही ये रोटियां खत्म होने को होगी और रोटियां आ जाएंगी गर्मा गर्म आएंगी, तो देखते हैं कितनी रोटियां 7 मिनट में ये लोग आज रिकॉर्ड कौन सा बनाते हैं और कितनी रोटियां कंप्लीट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, दोनों चैलेंजरों के लिए ऑफर है। और दाल की काउंटिंग नहीं होगी, रोटी ही काउंट होगी, मतलब दाल रह भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और देखते हैं आज जो है तगड़े चैलेंजर आए हुए हैं तो गर्दा गर्दा उड़ा करके कितनी राशि उड़ा के ले जाते हैं और कितनी राशि छोड़ करके जाते हैं। और 8 मिनट में मैक्सिमम 30 रोटी खाने का अभी तक शंकर जी का रिकॉर्ड है। देखते हैं उस रिकॉर्ड को आज छू पाते हैं कि नहीं। और समय 1 मिनट का कम हो गया है, मतलब 8 मिनट था और आज 7 मिनट दिया गया है। मोहम्मद यासीन जी का जो रिकॉर्ड है कितने रोटी खाए हैं, मोहम्मद यासीन जी 32 रोटियां खाए हैं लेकिन अनलिमिटेड टाइम में खाए हैं। तो देखते हैं आज क्या करते हैं, कौन सा रिकॉर्ड बनाते हैं, कौन सी मशीन, कौन सा मशीन चलाते हैं, कौन सी पावर लगाते हैं, क्या 65 हाथ पावर वाला जो थ्रेसर है उसको रवा कर मतलब सर्विस करा के आए हैं या नहीं। तो इस समय पूरी तरह से और हमको लग रहा है कि आज शंकर जी 25 के बजाय 50 रोटी का टारगेट बनाने वाले हैं और आज बिल्कुल तगड़ा चैलेंज होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो देखते हैं शंकर जी को कितनी रोटी कंप्लीट कर पाते हैं और यासीन जी क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, दोनों ही चैलेंजरों के लिए तगड़ा ऑफर है। बहुत गजब। और यहाँ पर मोहम्मद यासीन एक रोटी के बाद एक रोटी तुरंत एकदम लाइन पे लगा दिए है और उनका जवाब दे रहे हैं शंकर। शंकर पूरी तरह से जितनी दाल थी पूरी दाल जो और है, देखते हैं 25 रोटियां जो है 25 रोटियों में कौन विनर होता है, शंकर जी या यासीन जी। बहुत गजब। और रोटी को एकदम पूरी तरह से मुलायम कर चुके हैं, रोटी का एकदम जो नस है हड्डियां है टूट चुकी है और पूरी तरह से एकदम लड़खड़ा गई है रोटी। और वहीं पर मोहम्मद यासीन दाल आधा आधा जो है गिरा रहे हैं कढ़ाई से और रोटी को पूरा पूरा बाइट बना रहे हैं। तो उनका जवाब शंकर भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले कौन जाता है 25 रोटी के प्लस। और शंकर जी ऐसा लग रहा है दाल फरा बना लिए हैं, मतलब दाल के अंदर
रोटी जैसे बना करके डालते हैं उसको पकाते हैं तो हमारे यहाँ दाल फरा बोलते हैं। नहीं, दाल कोचिया बोला थे। दाल कोचिया कहा जाता है तो पर इस समय शंकर उसी का दल कोचिया बना के खा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते हैं दल कोचिया जो है 25 दल कोचिया उड़ा पाते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और यहाँ पर मोहम्मद असीन और जो हौसला लेकर बैठे हुए हैं, बहुत गजब का हौसला लेकर बैठे हुए। तो देखना है कि 25 रोटी के बाद सबसे पहले रोटी लेता कौन है, शंकर या फिर मोहम्मद असीन। भैया दोनों लोग, और दोनों लोग कोई दिक्कत नहीं है, और देखते हैं दोनों लोगों में 25 रोटी प्लस जा पाते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और खाएंगे तब भी ठीक है, नहीं खा पाएंगे तब भी कोई जोर दबाव नहीं है, अपने हिसाब से खाइएगा, कोई वो नहीं है। बहुत गजब। और यहाँ पर मोहम्मद यासीन बाइट ले रहे हैं, लेकिन शंकर मोहम्मद यासीन जी के बाइट का बहुत ही गजब तरह, और बोनस वाली रोटियां यहाँ पर आ चुकी हैं। जो बोनस वाली रोटी है वो आ चुकी है, पूरी तरह से नहा धो के आई है रसोई से निकलकर। कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, चलिए ठीक है। आपके लिए भी वही लाइन लगी हुई है, दोनों लोगों के लिए। कोई ये नहीं है कि आज जो भी चैलेंजर विनर विन हो करेगा वही इनाम की राशि पाएगा, जो चैलेंजर नहीं खा पाएगा उसको, मतलब दोनों चैलेंजरों के लिए इनाम एक तरह से रखा गया है। हाँ। तो देखते हैं दोनों चैलेंजर इनाम की राशि ले जाते हैं या फिर एक ही चैलेंजर ले जाता है या फिर दोनों चैलेंजर इनाम की राशि से बाहर रह जाते हैं। कमेंट भी किए हैं कि भैया इनाम दोनों लोगों को दिया करिए, थोड़ा चाहे थोड़ा ही सही। तो यहाँ पर इनाम तो जो है दोनों लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन लेने थोड़ा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। थोड़े के साथ बड़ा वाला वो भी है, ऑफर भी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और दोनों चैलेंजरों के लिए 5 मिनट का समय टाइमर तय कर चुका है। तो देखना है कि अब क्या कमाल करते हैं, क्या शंकर अभी बाइट पे हाथ लगाएंगे या पूरी तरह से ऐसे ही बैठे रहेंगे, मोहम्मद यासीन जी को जिताते रहेंगे। तो देखना है, मोहम्मद यासीन बहुत ही गजब तरह से एकदम, और यासीन जी के लिए भी कोई वो नहीं है, मतलब 25 प्लस जाएंगे तभी इनाम की राशि पाएंगे, अगर 25 प्लस नहीं जाएंगे तो इनाम की राशि से बाहर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और मोहम्मद यासीन इस समय पूरी तरह से 25वीं रोटी प्लस के पास जाने वाले हैं। और यहाँ पर दो रोटी की मांग की है, ज्यादा नहीं, दो रोटी मतलब, तो बोनस वाली दो रोटियां यासीन जी के पास जा चुकी है। देखते हैं वो दो रोटियां कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं। और शंकर देखते ही रह गए, इनका जो है दिल गवाही नहीं दे रहा है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि जितना खाए हैं ऐसा लग रहा है कि ओवर बताने लगा है इनके लिए। और मोहम्मद यासीन भी जो बाइट ले रहे हैं बहुत सोच समझ के ले रहे हैं कि कहीं ज्यादा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ये जो ऑफर चल रहा है दोनों लोगों के लिए, दोनों लोग इसमें बहुत आराम से इनाम की राशि जीत सकते हैं, और एक रोटी बराबर 500 रुपए है। तो भैया अगर दो रोटी सरकार लेंगे तो 1000 रुपए आपका तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन शंकर जी कोई दिक्कत नहीं, कोई जोर दबाव नहीं रहता हमारे चैलेंज में। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं। और यासीन जी देखते हैं और रोटियां लेते हैं या नहीं। और शंकर जी इस समय रोटी के बजाय दाल पी रहे हैं, और दाल पीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दाल की जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही गजब काम करता है। तो यासीन जी आए, हौसला दिखाया, यासीन जी का धन्यवाद करते हैं। और यासीन जी इस चैलेंज में 27 रोटी खा ली हैं, तो उनको 1000 रुपए इनाम की राशि कैश देते हैं। शंकर जी आराम से एंजॉय करते रहिए, जब तक दिल करे तब तक खाते रहिए। दाल फ्राई रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और यासीन जी 2+ रोटी खाए हैं, तो यासीन जी को 2 नोट इनाम में दे रहे हैं कैश। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 25 रोटी के बाद 1-2 मतलब 2 रोटी ज्यादा लिए हैं मोहम्मद यासीन, तो इसलिए इनको 500-500 की 2 नोट दी गई है इनाम के तौर पे। पैसा पा गए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यासीन जी इसलिए 2 ही रोटी खाए, देख लिए शंकर जी नहीं मतलब चल पा रहे हैं, इस वजह से 6 मिनट कुछ सेकंड में ही आज धराशाही हो गए। अगर दोनों चैलेंजर साथ में चलते तो हमको लग रहा था और ज्यादा रोटियां खा लेते, और शंकर जी भी मतलब पिछला रिकॉर्ड आगे बढ़ा देते। और आज हल्का मतलब दाल का चैलेंज लगा हुआ था, सब्जी का चैलेंज होता तो शंकर जी कह रहे थे उड़ाते, लेकिन दाल से इनको ज्यादा रोटियां चल नहीं रही थी। तो शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे? यार आप तो हमको फंसा दिए हो। मतलब यासीन जी भाई इनाम ऐसा रखा था कि इसमें दूसरे को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनाम इस तरह पे है। यासीन भाई 2 रोटी एक्स्ट्रा खाए, 1000 मिला, अगर 3 रोटी खाते तो 1500 मिलता है। वो इनकी मर्जी थी कितना हम खा सकते थे भाई, जितना इनका वेकअप था उतना खा लिए। पवन जी के कहने का मतलब ये है कि आप गए क्यों नहीं मंजिल तक? नहीं, हम तो भाई हमारा जहाँ तक हिम्मत पड़ा हम अपने स्पीड से अपने गलीमत से खाए, ऐसी बात नहीं है कि हम खाए नहीं, हम अपने भरपूर कोशिश खाए और दाल बढ़िया था इसीलिए वो
दाल थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता रोटी के साथ में। अच्छा, चावल होता तो शायद चला जाता है। ठीक है, तो चावल आज भी काउंट नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम चावल काउंट कर लो तो चावल का चैनल लगा दे, 150,000 चावल लगा दे। चावल खाते जाइए, उतना गिनते जाइए। जितना चावल गिन के रख देंगे उतने 5 रुपए का इनाम मिलेगा। तो आप लोगों को यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। पवन भाई कह रहे हैं कि चावल गिन के खाना है। पवन भाई गिन के लगाएंगे, चावल चैलेंज में हम लोग खाएंगे। चलिए, यही तो हम चाह रहे थे। कहिए तो भैया, गिनना कोई आसान नहीं है, तो गिनते गिनते शाम हो जाएगी, चैलेंज कब लगाएंगे। तो दाल और रोटी कैसे थी? बढ़िया था, बढ़िया दाल फ्राई। तो दाल फ्राई रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और आप लोग भी इसी तरह से इन लोगों का उत्साह बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।